कि आपको एक जबरदस्त वेट लॉस की ड्रिंक बता दी है शहर ने कि शाम की चाय को रिप्लेस करें करेले के जूस से, और उसमें क्या डाला आपने? उसके दिन मैंने अदरक डाली 1 इंच, अदरक? और मैंने स्टार्टिंग मैंने 2 माह मैंने हफ्ते में 1 दिन रोटी खाई है, चावल भी खाए हैं ठीक है, स्टार्टिंग में 2 माह। स्टार्ट। जब आपने हाँ जी, डाइट शुरू की तो आपने नाश्ते में क्या चेंजेस किए और क्या नाश्ता करना शुरू किया? 30 केजी वाला नाश्ता जानते हैं, और कोई बात, कोई सीक्रेट या कोई बात बताना चाहें जाते जाते? तो इसके साथ मैंने कहवा भी पिया, आपने वो तो मुझसे पूछा ही नहीं। अरे बताइए कौन सा कहवा? दो दो चीजें हो गई, करेले का जूस और कहवा। वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक जबरदस्त वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली सुनाने वाला हूँ क्योंकि उन्हें वीडियो पे आने की परमिशन नहीं, लेकिन ऐसी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आप सुनेंगे ना तो आपको वेट लॉस इतना आसान लगने लगेगा ना जैसे कि कोई मजाक है। वो बोलते हैं ना कोई मजाक हो रहा है, तो कोई मजाक है। तो मैं आपको बताऊँ, बेसिकली ये है सहर जिनकी एज सिर्फ 24 साल है और कसूर में रहती है, और इन्होंने 102 से 70 केजी यानी कि 32 केजी अपना वजन कम किया। कैसे किया है, क्या किया, सब कुछ बताऊंगा। मजे की बात आपको बता दूं, कोई डेड पैन नहीं खरीदा, कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा, और 32 केजी वजन कम कर लिया। कैसे किया, जरा सा भी आपका टाइम जाया नहीं करते, फौरन से शहर को बुलाते हैं और शहर से बात करते हैं। पहले जरा आप देखें, ये बिफोर आफ्टर की शहर की पिक्चर आपको नजर आ रही है, कितना वाज़े डिफरेंस है ना। एक पिक्चर में लग रहा है काफी ज्यादा एज है, और एक पिक्चर में लग रहा है बिल्कुल एक छोटी सी लड़की है। अब ये हुआ कैसे है, ये हम बात करते हैं शहर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? ठीक ठाक भैया, बताएं सर। आपने तो मुझे मैं ठीक ठाक अल्लाह का करम, आपने तो मुझे शॉक कर दिया। ये जो मैंने आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, मैंने आपकी वीडियो से ही ये सारी मोटिवेशन ली है। चलें वो तो हम बात करते हैं, पहले मुझे बताओ सर, ये जो 102 केजी वजन था, ये शुरू से था या किसी वजह से हुआ था? नहीं नहीं भाई, मैं स्टार्टिंग से ही ऐसी थी, शुरू से ही। शुरू से ही ऐसी थी आप? हाँ, बचपन से मोटी आती थी बस। अच्छा, तो बचपन से सहर इतना वजन था, तो ख्याल कैसे आया कि वजन कम कर लूं? दरअसल मेरी एक फ्रेंड थी, उसने आपकी वीडियो देख के ना अपना वेट लूज किया था। अच्छा, हाँ जी, तो मैंने उसी को देख के अब मुझे जरा थोड़ी सी मोटिवेशन आई थी, फिर मैंने भी स्टार्ट कर लिया। अगर ये कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। क्या बात है, रेफरल सिस्टम चला है, मतलब आपकी किसी फ्रेंड ने मेरी वीडियो देख के वजन कम किया, उनसे आप इंस्पायर हुई हैं। अब आप ये देखें कि आपसे कैसे हजारों खवातीन इंस्पायर होंगी। इंशाल्लाह ताला हम शहर की पूरी डाइट जानने वाले हैं, शहर ने कैसे वजन कम किया, पहले क्या खाती थी, बाद में क्या खाती थी। सबसे पहले ये बताओ, आप शहर आप कसूर में रहते हो, आपने अपनी एज 24 बताई थी राइट? जी जी। 24 साल में 102 केजी वजन, बड़े लोग ताने वाने देते होंगे? बहुत ज्यादा, कॉलेज लाइफ में तो बहुत ज्यादा देते थे। अच्छा, कॉलेज लाइफ में बहुत ज्यादा देते थे, क्या कहते थे जरा कुछ बताएं तो। कोई ऐसी फ्रेंड जिसने दिल दुखा दिया हो? जाहिर सी बात है, वो जब इंसान हेल्दी होता तो वो ऐसी कहते थे ना कि आप आंटी लगती हो, ये आंटी वाला टोन की बहुत ज्यादा गलत है, सुना नहीं जाता था किसी से। तो आंटी, असल में हमारी आंटियों ने अपना जो हालत ऐसी की है ना, अपना वजन बढ़ा लेती है तो सबको आंटी आंटी वर्ड पता है आपको, अल्लाह माफ करे, बोलना नहीं चाहिए आंटी वर्ड जो है ना, जिनका वजन ज्यादा होता है ना उनसे एसोसिएट हो गया। तो मैं तो कहता हूँ जितनी आंटी वजन कम करना चाहती है ना, नीचे नंबर लिखे हुए इस पर अपनी एज वेट हाइट भेजो, मैं आपको आइडियल वेट बताता हूँ आपका कितना होना चाहिए और मैं आपका वजन कम करवाऊंगा भी। सर अब आ जाते हैं आपकी डाइट पे, मुझे ये बताइए सर कि आपने जब सोचा, आपने अपनी फ्रेंड को देखा, उन्होंने कितना वजन कम किया था? उन्होंने भी तकरीबन 35 केजी लूज किया है। अच्छा, तो मुझे जरा उनसे कहिएगा मुझसे रब्ता करें, मुझे तो पता भी नहीं कि मेरी वीडियो देख के किसी ने 35 केजी वजन कम किया हुआ है। चले ठीक है, अच्छा जबरदस्त। तो उनको आपने देखा, तो फिर पहला सबसे पहला स्टेप क्या लिया ये बताइए? सबसे पहले मैंने अपनी भूख को सप्रेस करना स्टार्ट किया कि मैं कैसे इसको ओवरकम कर सकती हूँ, किस तरह से मैं अपनी भूख को कंट्रोल करूंगी, क्योंकि मैं हमारे घर में ना यानी कि ये तो मैं लेट उठती हूँ सुबह, सही है, तो मेरा नाश्ता जो होता था 12-1 बजे के करीब, ठीक है, और फिर चाय के साथ अगर कुछ होने हम रहते हैं तो हमारे ज्यादा लवाजमात होती है चाय के साथ। जैसे क्या? जैसे कि पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, और साथ में बेकरी, ऐसी आइटम हम जरूर खाते हैं सारे लोग चाय के साथ। सुबह नाश्ते में? नहीं नहीं चाय के साथ दोपहर। अच्छा, दोपहर शाम की चाय के साथ पकोड़े समोसे चलते हैं, मैं परेशान हो गया। 3-4 बजे के करीब हमारे यही चलते हैं। सुबह पहले नाश्ता क्या करती थी जब आपका वजन बढ़ा हुआ था? जब बड़ा हुआ था सुबह उठ के मैं वही चाय का फुल मग के साथ में ऑमलेट और पराठा वगैरह या फ्राई एग। अच्छा, फ्राई एग, ऑमलेट, पराठा वराठा खाती थी। क्रीम व्रीम भी खाती थी, कोई मक्खन वक्खन? नहीं नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन ये था कि स्टार्टिंग से ही अच्छी थी हेल्दी, तो बस फिर मैंने
आहिस्ता आहिस्ता इसको ओवरकम किया फिर अपने वेट को। अच्छा, जो जो लोग शुरू से हेल्दी होते हैं ना, बहुत ज्यादा वेट होता है, वो समझते हैं हमारा कम नहीं होगा, लेकिन अब ये शहर की पिक्चर देखें आपको समझ में आएगा कि देख कितना वाजे फर्क है। शहर की ये वाली पर्सनैलिटी ना कॉलेज में ना स्कूल लाइफ में कभी भी नहीं रही, लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने कराना था तो वो हो गया। सर, जब आपने वजन कम करने का सोचा, मेरी पहली कौन सी वीडियो आपके सामने आई? आपने लगा के दोस्त ने बताया था आपको, लिंक शेयर किया था, या आपने सर्च करके देखी थी? मैंने आपकी सर्च की सारी वीडियोस। ठीक है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कैलोरीज होती क्या है। अच्छा, और ना मुझे पता था प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये चीजें क्या है, ये क्या कहाँ से हम खा रहे हैं इसको। ठीक है, मुझे इन चीजों का बिल्कुल पता नहीं था, ना मुझे फाइबर का पता था, कुछ भी नहीं पता था। मैंने पहले इन चीजों पे सर्च किए ये चीजें है क्या। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको अपने डाइट में लिया कि ये क्या चीज किस टाइम पे लेनी है, क्या चीज किस टाइम पे लेनी है। ठीक है, ये मैं सारी वीडियो मैंने आपकी देखी है। अच्छा, माशाल्लाह। वो एक आपने पोषण कंट्रोल प्लेट का भी बनाया हुआ था वीडियो, वो मैंने देखी, उसको फॉलो किया। जी जी बिल्कुल, तो इसी तरह मैंने आपकी वीडियो देखी, मैंने स्टार्ट किया डाइट। चैलेंज जबरदस्त। लेकिन जब कोई वीडियो देख के डाइट स्टार्ट करता है ना, तो वो कुछ चीजें अपनी भी ऐड करता है अपनी समझ से। आज वो हम देखना चाहेंगे। आप ये बताइए, पहले तो आपका नाश्ता पराठों वराठों वाला होता था, जब आपने डाइट शुरू की तो आपने नाश्ते में क्या चेंजेस किए और क्या नाश्ता करना शुरू किया? 30 kg वाला नाश्ता जानते हैं। सबसे पहले तो मैं उठते साथ 2 ग्लास पानी पीती थी गर्म, सही है, और साथ में कलौंजी के साथ दाने। कलौंजी के साथ दाने, ये तो आपने डॉक्टर सादिया का सुना होगा, है ना जी? ये आपने डॉक्टर सादिया की वीडियो का सुना होगा। जी बिल्कुल, देखा मैंने, पता लगा। जी जी, उधर से भी मैंने बोला, उनकी भी वीडियो देखी और साथ में आपकी भी वीडियो देखी। जबरदस्त। फिर कलौंजी के साथ दानों के बाद उसको होल में एक समय डाल के 1 ग्लास पानी पीने से दोबारा 1 ग्लास इसके ऊपर और लेती। ये मेरी वीडियो का सुना होगा। अच्छा, जी बिल्कुल। और उसके बाद भी मैं 2 बॉयल एग और चाय का फुल मग ही लेती थी। मुझे मेरी कमजोरी है, लेकिन उसके अंदर मैंने लेस मिल्क कर दिया था और शुगर बिल्कुल खत्म कर दी थी। ठीक है, और उसका अल्टरनेट मैंने वो आती है कैंडल वगैरह वो यूज करना स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, ठीक है, सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। अच्छा ठीक है, आपने ये किया, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपने चाय में से शुगर खत्म करनी है ना, तो कैंडल मतलब जो भी आपको स्वीटनर्स मिलती हैं वो इस्तेमाल करने की जगह आप क्या कीजिए, आप स्लो स्लो शुगर को एक तो मिक्स टी की जगह सेपरेट टी बनाइए, और स्लो स्लो मतलब 1 चम्मच अगर शुगर ले रहे हैं ना, तो उसको क्वार्टर कर दें, आधा 3/4 करें, आधा करें, क्वार्टर करें, मतलब 10-15 दिन में टेपर डाउन कर दें शुगर को, एकदम से ना छोड़ें, क्योंकि आप वापस आपको टेस्ट में मजा नहीं आएगा और आप दूसरे स्वीटनर्स की तरफ ना जाएं। जिंदगी से चीनी को निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी सारे स्वीटनर्स में किसी ब्रांड का नाम नहीं लिया, ऐसे केमिकल्स मिलते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। आगे बताइए, फिर आपने चाय कम की, अंडा लेना शुरू किया, और क्या किया? बस यही मेरा ये नाश्ता होता था मेरा सुबह का। ठीक है, और उसके बाद मैंने 12 या 1 बजे के करीब एक फ्रूट ले लेती थी। फ्रूट ले लेती थी, कौन सा? एप्पल, सीजनल, अगर एप्पल है तो एप्पल ले लिया, अगर सर्दियां चल रही है तो एक मौसमी ले लिया, एक माल्टा ले लिया, ऐसे ही। वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद लंच क्या होता था आपका? और लंच में मेरा मोस्टली सैलेड ही रहा है। आपको मोस्टली सैलेड ही रहा है, जबरदस्त। मतलब मोस्टली अभी तक की वो डाइट प्लान चल रहा है कि जो मैं आपको पता है अपनी वीडियोस में भी बताता हूँ, मेरे पेड डाइट प्लान भी इसी तरीके के होते हैं, जिससे लोग 1 महीने में 5-5, 10-10 kg वजन कम करते हैं, 15-15 भी। और इसमें मैंने कुछ चीजें खुद भी ऐड की। अच्छा, जबरदस्त। वो बताइए, सैलेड किस तरह का सैलेड? और मैंने सैलेड खाती थी, सैलेड में काले चने वगैरह हो गए या रेड लोबिया, जो लाल लोबिया हमारा, जबरदस्त जबरदस्त, वो चीजें ऐड करके सैलेड में बना लेती थी, उसके अंदर बॉइल करके चिकन डाल लेती थी। ठीक है, जबरदस्त। ये उसकी वैरायटीज में करती रहती थी डेली अपने लिए ना, तो वो उसको पत्ते भी वो जो सॉसेस डालते हैं या कुछ भी स्विच करके डालते हैं, मैं कुछ भी नहीं डालती, मैं जस्ट नमक भी नहीं डालती थी इसके ऊपर, वैसे ही खाती थी। वेरी नाइस। और जो ये लाल लोबिया मैंने डालती थी, चने वगैरह, काले चने, ये मैंने आपकी 1200 वाली कैलोरीज जो आपने वीडियो दी हुई है उसी में से मैंने फॉलो की है। जबरदस्त। पैक के लंच में देखिए हम लोगों को कितना फायदा होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। अच्छा, लंच में आपकी डेली तकरीबन सलाद होती थी? जी। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, और बताएं चाय के दिन में कितने कप पीती थी? चाय के मैं 2 कप, मग पीती थी, कप नहीं, मग पीती थी चाय के, मग मग पीती थी मैं चाय के। अच्छा, मग, लेकिन उसमें हमने चीनी छोड़ दी थी मग में। अच्छा, ये मग में मैंने चीनी छोड़ दी थी, और मेरा जो दूध था वो बिल्कुल थोड़ा सा हो गया था, वो ज्यादा पानी उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जो शाम की चाय में कसूर वाले पकौड़े समोसे खाते हैं, उसका क्या हल किया आपने? उसका मैंने ऐसे किया कि उस चाय की जगह मैंने वो करेला जूस स्टार्ट कर दिया था। उसके अंदर मैं अदरक डालती थी, करेले,
जूस में लेमन डालती थी और वो काला नमक मिलता है वो डाल के, तो फिर वो मैं चाय को रिप्लेस करके मैंने वो करेला जूस स्टार्ट कर दिया। मिनट, आवाम आप सुन रहे हैं कि आपको एक जबरदस्त वेट लॉस की ड्रिंक बता दी है शहर ने कि शाम की चाय को रिप्लेस करें करेले के जूस से, और उसमें क्या डाला आपने? उसके अंदर मैंने अदरक डाली एक इंच और पूरा लेमन में डालती थी वैसे ही, ओके, फुल उसको ग्राइंड कर लेती थी। ओह नाइस। फिर और फिर उसको मैं छान के वो एक ग्लास के अंदर डाल के और नमक डाल के पीती थी। ओह जबरदस्त। आपने एक माचा टी का जो एक अच्छा घरेलू अल्टरनेट बना लिया कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल गया उसमें, और आपकी एक काइंड ऑफ वेट लॉस ड्रिंक बन गई शाम में, और शायद आपको पता भी नहीं हुआ। हाँ जी, ये मैं पीती रही, वेरी नाइस। ये मैंने मुसलसल पी है 6 माह। वेरी नाइस। अब ये बताइए कि करेले का जूस तो हो गया जी, अच्छा इससे करेले एक, वैसे मैंने सुना है, सच सच बताइएगा, करेले का जूस पीने के बाद ऐसा तो नहीं हो गया था आप सबसे लड़ती रहती थी घर में, गुस्सा आता था, लड़ती रहे, बोलते ना कड़वी चीज पी के इंसान कड़वा हो जाता थोड़ा सा? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था, बिकॉज वो चाय जा रही थी, सारे खा रहे होते थे, मैं ये पी रही होती थी, तो फिर ऐसा होता है इंसान को इरिटेशन होती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इसको छोड़ दो बस। घर में अम्मी या कोई भाई भाई बोलता नहीं ना करेले के जूस पी के तुम कड़वी बातें करते? वो तो सामने आके ऐसे करते थे कि बस मोमेंट आई है, मैं ये क्या पी रही हो। अच्छा चले जबरदस्त। और डिनर में क्या किया, पहले डिनर क्या होता था बाद में क्या होने लगा? पहले डिनर जो डेली घर में बना होता था भिंडी गोश्त वगैरह, उसके साथ सैलेड बना के रोटी सारे खाते थे, वैसे ही सेम खाते रहे। ठीक है। तो देन उसके बाद मैंने ब्रोस्ट की तरफ आ गई, वो मैंने कभी टिक्के बना लेने, कभी ब्रोस्ट बना लेने, कभी मैंने फ्रिज को ग्रिल कर लेना, कभी मैंने उसको स्टीम कर लेना, साथ में सैलेड। एक बड़ा अहम सवाल है डिनर में कि हफ्ते में रोटी कितने दिन खाती थी या कितने दिन छोड़ी है? मैंने स्टार्टिंग मैंने 2 माह मैंने हफ्ते में एक दिन रोटी खाई है, चावल भी खाए हैं। ठीक है। स्टार्टिंग में 2 माह, उसके बाद मैं हफ्ते के 3 दिन आज रोटी खाने यानी कि स्टार्ट कर दी, मैंने चावल स्टार्ट कर दिए। तो स्टार्टिंग अगर मैंने सुबह खा लिया नाश्ते में तो मैं दोपहर में नहीं लेती थी और रात को भी नहीं लेती थी। ठीक है। स्टार्टिंग के 2 माह आपने रोटी हफ्ते में सिर्फ एक दिन खाई है, 5 दिन बाद क्या खाया? कभी चिकन का टिक्का, कभी ब्रोस्ट और कभी अपने फिश ग्रिल, है ना? वेरी नाइस, वेरी प्रॉपरली फॉलोड। मतलब ये देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, अगर कोई किसी चीज को ठान लेना और कम करना चाहे, अब माशाल्लाह से देखें शहर की पर्सनालिटी में जमीन आसमान का फर्क आ गया, अभी इनकी शादी नहीं हुई है, लग रहा है इनकी बेहतर जगह कहीं शादी और रिश्ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप देखें एक पर्सनालिटी ग्रूम, हालांकि मेरा कहने का कई कतन ये मकसद नहीं है कि जिनका वजन बढ़ा हुआ है उनकी बेहतर जगह शादी नहीं होती, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिस जो आपके कंट्रोल में, आप मेहनत करें तो आप सही कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बोलते हैं ना कि जी रंग किसी का कैसा भी, अल्लाह ताला ने सबके रंग बनाए और आपको सब रंग को जो है वो करना चाहिए, सिर्फ गोरे के या काले के पीछे नहीं भागना चाहिए, बट वजन एक ऐसी चीज है जो आपके अपने हाथ में, आप उसको सही कर सकते हो। जिस तरीके से शहर ने मेहनत की, सर 6 महीने में आपने 30 kg कम किया, राइट? हाँ जी। तो 5 kg पर मंथ, इट्स अ वेरी गुड टारगेट। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहर आपने बहुत जबरदस्त, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे जहन से निकल जाती है, अच्छा वो याद आ गया, एक्सरसाइज का क्या किया? मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, मैंने आपको बताया था मुझे बैक का इश्यू है, तो मैंने कोई एक्सरसाइज कोई वॉक नहीं की। हाँ, इसके साथ अपने डाइट प्लान के साथ मैंने एक काम किया कि मैं 3 से 4 लीटर डेली का नीम गर्म पानी पीती रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। स्किन कैसी, उससे बेहतर हुई स्किन? हाँ जी, बिल्कुल फ्रेश फील होने लग गया था, खुद ही फील होने लग गया था कि रंग भी साफ हो गया इंसान का। जबरदस्त जबरदस्त। तो और मैंने ये 3-4 लीटर मैंने पानी पिया, इससे अबव भी हो जाता था, नीचे मैंने कभी नहीं पिया, मैंने 3-4 लीटर की बोतल भर के अपने कमरे के अंदर रखी हुई है। वेरी नाइस। देखिए 4 लीटर से ज्यादा भी नहीं पीना चाहिए और 2-2.5 लीटर से कम भी नहीं पीना चाहिए, ये एक अच्छी सेफ रेंज है पानी पीने की। सर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, क्योंकि आपने मेहनत करके सिर्फ मेरी वीडियोस देख के, डॉक्टर सादिया की भी वीडियोस देखी, मोस्टली मेरा ये जो डाइट प्लान आपने फॉलो किया है ना, ये इतना इफेक्टिव है ना, इसको अगर कोई भी किसी भी एज का कोई भी फॉलो करेगा ना, उसका वजन कम ना, ऐसा हो नहीं सकता। सिर्फ 2 चीजें होती हैं, अच्छी नींद और स्ट्रेस ना लो। मुझे बताओ, अल्लाह का शुक्र है स्ट्रेस तो मुझे नहीं लगता आपको कोई होगा, नींद की क्या रूटीन थी आपकी? रूटीन नींद की मेरी ये थी कि मैं रात को लेट नाइट सोती थी और सुबह लेट उठती थी। और उसके बाद मैंने अपनी थोड़ी सी नींद को सेट की है, आपने कहा था 6-7 घंटे नींद होनी चाहिए इंसान की, तो मैंने अपनी नींद इतनी लेनी स्टार्ट की। स्ट्रेस ये था कि जब मैं मोटी हो गई थी ना बहुत ज्यादा, तो मेरा ब्लड एक दिन बहुत ज्यादा शूट कर गया था, अच्छा मेरा बीपी बहुत ज्यादा शूट कर गया था, जिसकी वजह से मुझे इतनी टेंशन हुई कि अगर मेरी इतनी सेज में मुझे बीपी का इश्यू हो गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आपने उस टेंशन को अपना हथियार बनाया और माशाल्लाह से जबरदस्त टारगेट अचीव किया। मुझे सर ये बताइए कि अभी अभी माशाल्लाह से लोग कैसे आपको कमेंट्स करते हैं जब देखते हैं इतना वजन कम हो गया?
जिन्होंने मुझे देखा ही नहीं था, वो तो आप देखे पहचानती ही नहीं कि ये कौन है, अच्छा जबरदस्त। वो बिल्कुल पहचानती नहीं, और जिन्होंने देखा तो वो हैरान ही हो गए थे मेरी फैमिली में रिलेटिव में कि ये कैसे किया है। अब मुझसे लेने आते हैं लोग ये किस तरह किया, हमसे तो नहीं हो रहा, हमसे तो ऐसे खाया नहीं जा रहा। बस तो आप मेरा नंबर दे दिया करो। नहीं अभी मैं हूँ। हाँ चलो जबरदस्त, वेरी नाइस। चले सर जबरदस्त, थैंक यू सो मच, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जबरदस्त थी, खुश रहिए और लोगों को इसी तरीके से इंस्पायर करते रहिए। और मैं बस, और कोई बात, कोई सीक्रेट या कोई बात बताना चाहें जाते जाते? तो इसके साथ मैंने कहवा भी पिया, आपने वो तो मुझसे पूछा ही नहीं, और ये बताइए कौन सा कहवा? हाँ और मैंने खुद खुद ही घर में बनाया होगा, किचन से हाँ सारा सामान लेके हाँ उसको मैंने खुद ही बनाया हर्बल टी की तरह। वो मैं सुबह नाश्ते के बाद लेती थी और तो बेड टी के साथ। ओए होए, कौन सा बताइए जरा। जी जी मैंने कहवा दो टाइम लिया है, सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोते वक्त। उसमें मैं अपने मैंने खुद ही घर में किचन से ये चीजें ढूंढी है, जीरा हो गया, सौंफ हो गई, जबरदस्त। अजवाइन हो गई, और साथ में मैंने लेमन ग्रास डाला उसके अंदर, और साथ में काली मिर्च डाली, जबरदस्त। और ये डाल के मैं इसको छोटा टीस्पून डाल के मैं इसका कहवा बनाती थी, और उसके साथ जब ये बन जाता था उसके अंदर मैं ग्रीन टी डाल देती थी और ये पीती रही हूँ मैं। वेरी नाइस। मैं मजाक कर रहा हूँ लेकिन तकरीबन पूरा सालन हो गया, लेकिन माशाल्लाह देखें अजवाइन के अपने फायदे हैं, जीरे के बहुत फायदे हैं, सौंफ के बहुत फायदे हैं, साथ में आपने ग्रीन टी भी ऐड कर ली, तो इट्स अ पावर पैक ड्रिंक, आपने बहुत जबरदस्त किया है। बस एक चीज़ है कि देखें कुछ लोग, जो भी कोई अगर इसको फॉलो करना चाहता है ना, एक बात ख्याल करें, कुछ लोगों को जीरा जो है वो टेंशन दे सकता है, कुछ लोगों को अजवाइन नहीं हजम होती सही तरीके से, तो कोई भी चीज़ ट्राई करें ना, एक दो दिन ट्राई करके देखें, अगर आपकी बॉडी में आप नेगेटिव चेंजेस देखें ना तो उसको छोड़ दें, ठीक है। अलबत्ता ये वो तमाम मसाले हैं जो कि सेफ हैं और जो कि आपको काफ़ी फायदा पहुँचाते हैं, तो ये आपकी सीक्रेट रेसिपी है। दो दो चीज़ें हो गई, करेले का जूस और कहवा। चलें सर, वेरी नाइस ट्रांसफॉर्मेशन, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, बहुत शुक्रिया, ओके अल्लाह अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों आपने देखा सर ने कितना जबरदस्त अपना वेट कम किया, 32 kg कम किया घरेलू टोटकों से, मेरी वीडियोस देख के, फॉलो करके, डाइट प्लान अपना खुद बना के, और वो पूरी की पूरे सारे सीक्रेट, सारी डाइट प्लान मैंने आपके साथ सब शेयर कर दिया। अगर फिर भी आप वजन कम नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और अगर ये सब आपको मुश्किल लगता है तो नीचे नंबर लिखे हुए मेरे पेड डाइट प्लान होते हैं जिसमें डील्स होती है, माचा टी भी होती है, काऊ बेरी पाउडर, चिया सीड, आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बड़ा गंदा, बहुत शुक्रिया।